राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ख़ास रेसिपी और वो है भुट्टे के भजिए, भुट्टे के पकोड़े, भुट्टे की टिकिया। ये तीनों नाम अलग अलग ज़रूर हमने लिए हैं लेकिन ये सब प्रोसेस एक ही है, लास्ट में हम अलग कर देंगे। और कहते हैं कि भुट्टा यानी कॉर्न स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, हेल्थी होता है और हमें कई तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप करता है। इसलिए आज के जो पकोड़े तैयार होंगे वो पौष्टिकता से भरपूर ज़रूर होंगे। तो शुरू करते हैं आज की कुकिंग, आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज बनाने वाले हैं हम भुट्टे के पकोड़े। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे भुट्टे के पकोड़े। तो इन भुट्टों को हमें इस तरह से एक बीज निकालना है और आप देख सकते हैं हमने ये सारे बीज इन दोनों भुट्टों के निकाल लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। इसके लिए हमने लिया है कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और इसमें हम इस तरह से जो हमने कॉर्न निकाले थे उसको हम इसमें डाल देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कॉर्न को सेक लेते हैं। फ्लेम हमारी हाई पर है। अक्सर बारिश के सीज़न में आप देखते होंगे भुट्टे रोडों पर मिल जाते हैं, ये वही सॉफ्ट भुट्टे हैं जो आज हम लेकर आए हैं और इनको हमने इस तरह से दाने निकाल कर रख लिया है। कॉर्न के बीज हमारे फ्राई हो गए हैं, करीब 2-3 चम्मच हम इस कटोरे में निकाल लेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरे इस तरह से। अब इसमें जाएगा अदरक, चला देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, जितनी तीखी आप पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया, और अब हरी धनिया हरी मिर्च के बाद हम इसमें डालते हैं प्याज और चला देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, प्याज को थोड़ा सा नरम होने देंगे और अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च लगभग 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। चला लेते हैं इसको। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ उतना ही पकाएंगे ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रहें। और अब हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच नमक और नमक के साथ ही थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालते हैं ये काला नमक, सौंधा नमक। चला देते हैं और अब इस मिक्सचर को हम करेंगे ग्राइंड। इस मिक्सचर को हमने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर से और इसको निकालते हैं एक बड़े कटोरे में। तो दोस्तों ये हमारा ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर हमारी कटोरी में आ गया है। इसमें हमने कुछ कॉर्न इस तरह से पहले छोड़ के रखे हुए थे, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ प्याज हमने इस तरह से काट के रखी हुई थी, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, लगभग इतना, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐसा बेसन लिया हुआ है, बेसन ऐड कर देते हैं। और अब इसके बाद हम इसको पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस तरह से हमारा बैटर पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, इससे बहुत अच्छी तरह से हम भजिया बना सकते हैं। अगर आपको लगता है बैटर पतला है तो उसके पानी से उसको आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं भजिया बनाना। इसके हम दोनों चीज़ बना सकते हैं, इसके हम भजिया भी बना सकते हैं और इसकी हम साथ में कुछ टिकिया भी बना के बताएंगे। ये बैटर दोनों के काम आएगा। शुरुआत करते हैं, कढ़ाई में डालते हैं 1 चम्मच तेल,
ये हमने लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लिया है। इस तरह से बैटर में हम छोटे छोटे भजिया तोड़ते हैं, इतना सा लेते हैं और इसको गोल करने के बजाय तो हल्का सा चपटा रखें इस तरह से, और तेल में डाल दें। और साथियों आप देख सकते हैं भजिए हमारे बनके पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से सिक गए हैं। इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं, अदरवाइज ये जल जाएंगे। इस तरह से आप देखिए हमने इसको प्लेट में निकालना शुरू कर दिया है। इस तरह से हमने गोल गोल टिकिया भी इसमें तवे में रख दी थी, इसको भी आप देख सकते हैं ऊपर से गुलाबी हो गई है। एक बार पलट लेते हैं ताकि नीचे का सरफेस भी सिक जाए। इस तरफ भी आप देख सकते हैं एकदम गुलाबी हो गई है। और ये टिक्की भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं हमने कॉर्न की भुट्टी की भजिया बना ली है, ये भजिया है, ये हमने टिक्की भी तैयार कर ली है। दोनों बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई हूँ। देखेंगे तो ये बहुत ही लाजवाब भजिया बनी हुई है, और इसका जो क्रिस्पी टेस्ट, इसके जो मसाले हमने यूज़ किए थे, अदर चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि ये रेसिपी भी हमारी और रेसिपी की तरह ज़रा सी हटके है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।